हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोश्त के सूखे कबाब। ये देखिए, मैंने इस तरह से कबाब को काट लिया है और इसे साफ वॉश कर इस तरह से स्ट्रेनर में डाल लिया है। कितने अच्छे से सूख चुके हैं ये। अब हम इसमें पाउडर मसाले मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में यहाँ पर बारिशें चल रही है, इसलिए जल्दी सूखने के लिए हमने इतने बारीक कबाब काटे हैं। अब हमें इसमें 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़े चम्मच से हम 3 स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम पहले इन्हें अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और मिर्च को बहुत अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमने अदरक लहसुन हल्दी मिर्च को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करते ही हमें इसे रस्सी पर डाल देना है, वरना इसमें पानी छूट जाएगा। चलिए, अब हम नमक को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं, कहीं भी पानी थोड़ा भी आपको नजर नहीं आ रहा है। आप गोश्त के पानी को बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। ये देखिए, हमने सारे पाउडर मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इन्हें रस्सी पर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह का गैप छोड़कर इस तरह से कबाब डालना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे रस्सी पर इस तरह से सारे सूखने के लिए कबाबों को डाल लिया है। यहाँ पर फैन है, फैन के नीचे हम सुखा लेंगे। 3 से 4 दिन सूखने के बाद इसे हम कट करके धूप में इसे बहुत अच्छे से सुखा कर स्टोर कर रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब हमारे सारे रस्सी पर सूख चुके हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीस में कटिंग करेंगे और धूप में सुखा कर आपको फ्राई कर बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब हमारे रस्सी पर सूख चुके हैं। अब हमने इसे रस्सी पर से उतार लिया है। अब हम इसे धूप में रखकर सुखाएंगे और आपको फ्राई कर बताएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, कबाब हमारे धूप में सूखकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। चलिए, ऑयल गर्म हो चुका है। हमने कबाब को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है। अब हम इन्हें अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, कितने गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे कबाब को फ्राई कर लिया है। अगर आप इसे खट्टी दाल खाने के साथ चाटने में अगर बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे आई लव कबाब। अगर आपको कबाब की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए। बाय बाय।